बीती रात बंगाली चौराहे पर एक युवक को चाकू के साथ पुलिस ने धर दबोचा है। पकड़ा गया बदमाश यहां नशे की हालत में लोगों को धमका रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बंगाली चौराहे के पास एक युवक अपने कुछ साथियों के साथ लोगों को चाकू दिखाकर रंगदारी कर रहा था। इस दौरान गमी से लौट रहे महंत कमलेश दास महाराज की गाड़ी को भी बदमाश ने चाकू दिखाकर रोका और धमकाया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाश को चाकू सहित दबोच लिया और जमकर पीटा। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपी युवक पर 25 आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण भी दर्ज किया है। घटना हुई थी आपके साथ में, किन लोगों ने हमला करा था, कौन लोग है ये और कहाँ से आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम मुंह से इंदौर आ रहे थे, हमारे मामी जी का स्वर्गवास हो गया है और हम उनकी अंतिम संस्कार की विदाई देते और इंदौर आ रहे थे। इंदौर आए तो उसके बाद हमारे पे इन्होंने गाड़ी रोक लिया और गाड़ी रोकने के बाद चाकू खोल लिया। चाकू के बाद इन्होंने बोल दिया आपको पैसे दें, तो उसमें घटना स्थल में बचना साहब भी थे, तो बचना साहब अभी चाकू नहीं पकड़ा था तो हमें मार दिया हुआ। तो किस चीज के लिए आपसे टकराया था, क्या उसको पहचानते भी नहीं, क्यों टकराया, क्या कारण है? और ऐसे तो हमारे साथ कई घटनाएं होती है और झूठी रिपोर्टें हो जाती हैं। क्या आप इसको जानते हैं या इसने कोई पुरानी कोई रंजिश निकाली आपसे? हमारी कोई रंजिश नहीं है, इससे कोई मामला ही नहीं माना हमें तो। अभी थाने पे आए तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई में इसको 25 आर्म्स एक्ट और जो भी जो कार्रवाई ये कर रहे हैं उचित वो देखना है इनको। इसके साथ में और भी कोई लोग थे क्या? हाँ, 3-4 जने थे इनके साथ, तो बाकी क्या कर रहे थे? तो बाकी के लोग कहाँ हैं, क्या भग गए थे? कार्रवाई करेगी पुलिस प्रशासन। अच्छा ठीक है, आपका नाम बताए? मैं कमलेश दर्जी। कहाँ रहते? 10 सूरज ना कालका मतामती।